जी, तो आज बेसिकली हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो रिगार्डिंग सेक्शन 3, और उसमें एक नया केस हमारे पास आया है जो कि जिसमें अकाउंट को अंडर रिव्यू कर देता है अमेजोन फॉर 30 डेज, ठीक है, और सेक्शन 3 भी लगता है, ठीक है। उसमें अकाउंट जो है उसमें डिपेंड कर रहा होता है अमेजोन की सिचुएशन पे। कुछ केसेस में वो FBM बंद कर देता है और कुछ केसेस में पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट करके अकाउंट को रिव्यू में ले जाता है, और फिर वो कहता है कि आप अपील वगैरह सबमिट कराओ। तो इस तरह के जो सीन है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, सेक्शन 3 विद रिव्यू, ठीक है, रिव्यू फॉर 30 डेज, इसको हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट जो चीज आ रही है उस पर आपको जो है वो पता चलना स्टार्ट हो जाए कि हम किस तरह से लाइक इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। सो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अमेजोन ने जो है वो सेलिंग अकाउंट को रिव्यू के लिए, अगर हम FBM कर रहे हैं तो उस केस में ये वाला सीन क्रिएट हो रहा है कि अमेजोन जो है वो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को जो है वो रिव्यू में ले जाता है। वो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके बैकएंड का सिनेरियो पहले आप समझ लें कि रीजन क्या हो सकती है जिसकी वजह से अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में लेकर जाता है, ठीक है। सबसे पहली रीजन कि जब आप ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे होते हो और आपको ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा रिफंड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आप अगर सेलिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट मंथ जो सेल आई वो 40 यूनिट्स की आई, उसके बाद 100 यूनिट्स की आई, और फिर एकदम से 1000 यूनिट्स की आ गई, तो इसमें भी आपका सेल वॉल्यूम डिस्टर्ब होता है, और उसमें भी अगर रिफंड ज्यादा आ गए तो उस केस में अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में ले जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सेलिंग अकाउंट रिव्यू फॉर सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स, इसको हमने किस तरह से देखना है। अब सबसे पहले देखो, ऑब्वियसली अमेजोन की पॉलिसी है कि वो कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेजोन सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स को मॉनिटर करता है, ताकि उसके कस्टमर को जो भी आइटम पहुंचे वो टाइमली फैशन में पहुंचे, ठीक है। और अमेजोन जो है वो आपकी सेलिंग अकाउंट को अंडर रिव्यू लेके जाता है टू मॉनिटर योर सेलिंग एक्टिविटी, ताकि वो आपकी एक्टिविटी को देख सके और वैलिडेट कर सके डिलीवरी ऑन रीसेंट सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स। सो इस टाइम में ये टाइम 30 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। वी कैन लिमिट योर सेलिंग प्रिविलेजेस एज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट फर्दर पॉसिबल इम्पैक्ट टू अमेजोन कस्टमर। अब देखो, अगर आप सेलिंग प्रिविलेजेस आपकी लिमिट कर दी जाती है प्रिवेंटिव मेजर्स के अगेंस्ट सिर्फ, ताकि कस्टमर पे उसका कोई असर ना हो, ठीक है, यानी कि उस आपकी FBM कुछ अरसे के लिए रोक दी जाती है, ठीक है। लिमिट ऑन सेलिंग प्रिविलेजेस कैन इंक्लूड टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ लिस्टिंग और सस्पेंशन ऑफ सेलर फुलफिल्ड लिस्टिंग, ठीक है। ये दो तरह से हो सकती है, या तो आपकी लिस्टिंग टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड हो जाएंगी, या फिर आपकी सेलर फुलफिल्ड लिस्टिंग टोटली होल्ड हो जाएगी, ठीक है। ऑल दो फंड्स विल रिमेन इन योर अकाउंट ड्यूरिंग दिस रिव्यू, वी विल ऑल्सो टेम्परेरली लिमिट योर एबिलिटी टू रिसीव डिस्बर्समेंट्स एज पर एप्लीकेबल लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है। और उसके बाद अमेजोन कहते हैं कि जब हम आपके डिलीवरी प्रूफ को कन्फर्म कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो ऑफर्स हैं वो रीएक्टिवेट हो जाएंगी और आपकी जो डिसबर्समेंट है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल वे में चली जाएंगी। और अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अनशिप ऑर्डर्स हैं जो कि रिव्यू पीरियड में है, तो आप उनको कंटिन्यू रखें फुलफिलिंग करने के लिए, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो अनशिप ऑर्डर्स हैं आप रोक दें, अनशिप ऑर्डर्स को आप कंटिन्यू करते रहें चाहे अकाउंट आपका रिव्यू में भी हो, ठीक है। अब वो कहते हैं व्हाई इज माय अकाउंट अंडर रिव्यू, रिव्यू में जाने की क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में लेकर जा सकता है, ठीक है। टेम्परेरली रिव्यू में जाने के लिए कुछ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि अमेजोन सेलिंग अकाउंट पर कंसीडर कर रहा होता है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ फैक्टर्स इस तरह के हैं कि अगर आपका अकाउंट एग्जिबिट कर रहा है मल्टीपल फैक्टर एट वन टाइम, यानी कि इसमें से कोई भी एक फैक्टर या दो फैक्टर वो एक ही टाइम में ऑपरेट हो रहे हैं तो अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में ले जाता है। यू डू नॉट हैव सफिशिएंट हिस्ट्री ऑफ पास्ट सेल्स, आपके पास कोई भी पिछली हिस्ट्री नहीं है सेल की। दिस कैन आइदर बिकॉज यू आर न्यू टू अमेजोन स्टोर और यू डू नॉट हैव सोल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो बिल्कुल आपका अकाउंट न्यू होगा या आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट बहुत अरसे से बेची नहीं है। जब आप बिल्कुल नए होते हो और यू हैव बीन डोरमेंट,
इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ बायर सेलर ट्रांजेक्शन. तो एकदम से आपने जो है वो डोमिनेट नहीं करना, आपकी जो हिस्ट्री है वो पॉजिटिव हिस्ट्री बायर सेलर ट्रांजेक्शन की वो मतलब ग्रेजुअली बिल्डअप होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज अकाउंट चलाना शुरू किया और 1,000 ऑर्डर एकदम से आपको आ गए, ठीक है? तो इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं होती. उसके बाद मल्टीपल कस्टमर इंडिकेट करें कि उन्हें आपके जो आइटम्स हैं जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं वो रिसीव नहीं हुए. अगर वो बार बार रिफंड रिक्वायर करते हैं या ए टू जी गारंटी क्लेम मांगते हैं या फिर नेगेटिव फीडबैक पोस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे अमेजोन रिकमेंड करता है यू वर्क क्लोजली विद योर कस्टमर टू रिजॉल्व एनी इशू एंड टेक स्टेप टू इंश्योर प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है? अब इसमें कोई ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं देते उस केस में भी, या ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन इनवैलिड होती है उस केस में भी अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में ले जाता है, ठीक है? वैलिड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन कैन प्रोवाइड एश्योरेंस टू योर कस्टमर दैट ऑर्डर्स आर ऑन द वे एंड हेल्प अमेजोन वैलिडेट दैट कि ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर कोई भी अनयूजुअल चेंज आता है आपके सेलिंग पैटर्न में या अनयूजुअल एक्टिविटी आती है, लाइक रीसेंट स्पाइक बन जाती है सेल में. रीसेंट स्पाइक का मतलब यही होता है कि पहले कम कम ऑर्डर्स आप ले रहे थे, फिर एकदम से आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर ले लिए, तो ये सडन स्पाइक होती है, ठीक है? उस केस में भी अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में लेके जाएगा. ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मतलब अभी तक बहुत कम लोगों ने इसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचाई है, लेकिन ये लेटेस्ट मतलब जो लोग कबूतर ट्रैक और इस तरह की ट्रैक्स वगैरह यूज कर रहे थे, मतलब इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे अमेजोन के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, वो तमाम मतलब लोगों को रोकने के लिए अमेजोन ने ये पॉलिसी अपडेट की है, ठीक है? अच्छा. और यू आर सेलिंग हाई रिस्क आइटम्स. अगर आपकी हाई रिस्क आइटम्स है जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, ट्रेंडिंग आइटम्स है, उस केस में भी अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में लेकर जाता है, बार बार लेकर जाता है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो ऑर्डर आप खुद से फुलफिल कर रहे हैं वो अमेजोन की पॉलिसी को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? उसके बाद जी लास्ट में है यू मे बी मिसिंग क्रिटिकल बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर अकाउंट जो कि आपको वैलिडेट करती है पॉजिटिव बायर सेलर हिस्ट्री को, ठीक है? इंश्योर दैट ऑल योर अकाउंट इंफॉर्मेशन इज अप टू डेट इंक्लूडिंग बिजनेस वेबसाइट एड्रेस कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वेयर एप्लीकेबल. ऑल्दो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन इट कैन वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक है? ये आपकी आइडेंटिटी को मतलब वेरीफाई करती है एंड एक्सपेडेड द रिव्यू प्रोसेस, और आपके रिव्यू प्रोसेस को जो है वो मजीद इंक्रीज कर देती है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है जी मेंटेनिंग अ हेल्दी अकाउंट कैन मिनिमाइज द लाइकलीहुड दैट योर अकाउंट विल बी प्लेस्ड अंडर रिव्यू इन फ्यूचर. अगर आप हेल्दी अकाउंट को मेंटेन करते हो तो आपके बहुत ये रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट देखें जी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अकाउंट रिव्यू. अकाउंट रिव्यू के दौरान मतलब क्या होता है, वी विल कंटिन्यू टू रिव्यू योर अकाउंट ओवर नेक्स्ट 30 डेज फॉर एविडेंस विद सपोर्ट डिलीवरी फॉर रीसेंट सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स. अब अमेजोन को जो चीज इसमें एविडेंस के तौर पर चाहिए वो रिसेंटली जितने भी ऑर्डर्स आपने फुलफिल किए उनकी ट्रैकिंग या उनकी डिलीवरी प्रूफ उसे चाहिए होता है, ठीक है? इफ यू हैव आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स टू बी डिलीवर्ड, अगर आपके पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स लाइक काफी सारे ऑर्डर्स हैं जो आपने डिलीवर किए हैं, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉम्प्टली मतलब अपने अकाउंट रिव्यू को कंप्लीट करवाने के लिए आप इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें. वंस जब आप आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर जो है वो सबमिट करवा दोगे, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट हो जाएगा और जितनी भी अनसस्पेंडेड लिस्टिंग्स हैं सस्पेंडेड लिस्टिंग्स हैं वो आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है? लेकिन अगर आप सफिशेंट एविडेंस ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोवाइड नहीं करते, फर्दर एक्शन विल बी टेकन एंड योर अमेजोन अकाउंट कुड बी परमानेंटली डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद अमेजोन को. तो सेक्शन 3 परमानेंट आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है? अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते. हाउ टू एक्सपेडिट एंड अकाउंट रिव्यू. अकाउंट रिव्यू किस तरह से आपने लेना है और अमेजोन उस पर किस तरह से मतलब सारा फोकस कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा जी,
आप मतलब अगर बिलीव करते हो कि ये जो अकाउंट है ये आपका एरर में उसमें ये इशू आया है, तो मतलब आप उसको किस तरह से टैकल करोगे वो भी मतलब चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं कि उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अगर आपका आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है या ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन आपने अपडेट की है एंड वेरीफाई द करंट अपलोडेड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और फिर आप ये वेरीफाई करोगे कि जो आपने करंटली ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अपडेट की है, ठीक है, वो मतलब क्यों की है और मतलब क्या उसे यूज किया जाए या पिछली को यूज किया जाए। ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन मे बी प्रोवाइडेड इन मैनेज ऑर्डर सेक्शन ऑफ योर सेलर अकाउंट इफ यू आर एन अमेज़न इजी शिप सेलर, कंफर्म दैट यू यूज दिस सर्विस फॉर योर सेलर फुलफिल्ड। अब इसमें अमेज़न इजी शिप सेलर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आपने अमेज़न से ही लेबल परचेज करने हैं और अमेजोन पे ही आपने ऑर्डर को अमेजोन ही आपके ऑर्डर को आपकी लोकेशन से पिक करेगा और फिर वो कस्टमर तक पहुंचाएगा। इसे अमेजोन इजी शिप सेलर कहते हैं। अगर वो है तो आपने वो भी प्रोवाइड करना है। आपने एविडेंस देना है डिलीवरी का ऑफ रिसेंटली शिप्ड सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर, और उसमें बायर कंफर्मेशन या फिर प्रूफ ऑफ डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आपने ये ऑलरेडी नहीं किया सो यू मे रिक्वेस्ट फीडबैक फ्रॉम योर बायर, आप फीडबैक भी ले सकते हो, लेकिन वही बात कि प्रेशराइज नहीं करना हमें बायर को। उसके बाद जी द एड्रेस यूआरएल और फिजिकल स्टोर ऑफ अदर स्टोर्स इंक्लूडिंग अमेजोन अकाउंट वेयर यू सेल सिमिलर प्रोडक्ट एंड कैन डेमोन्स्ट्रेट प्रूफ ऑफ डिलीवरी। आपने ऐसा एड्रेस या यूआरएल बताना है, ठीक है, अदर स्टोर्स का जिसमें अमेजोन अकाउंट का भी हो सकता है, जहां पर आप सिमिलर आइटम्स जो हैं वो मतलब सेल आउट कर रहे हैं और वो आपकी डेमोन्स्ट्रेट करे प्रूफ ऑफ डिलीवरी को भी, ठीक है। उसके बाद एविडेंस टू सपोर्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस। अब ये पांच चीजें आपको बेसिकली चाहिए। पहली चीज आपको ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, दूसरी चीज आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए, ठीक है, थर्ड चीज आपको एड्रेस चाहिए जो जो कि आपकी प्रूफ ऑफ डिलीवरी को भी डेमोन्स्ट्रेट करे, उसके बाद आपको एविडेंस चाहिए अपने बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव बायर सेलर ट्रांजेक्शन भी चाहिए। दिस में इंक्लूड बिजनेस वेबसाइट, ईमेल या कंपनी बैंक इंफॉर्मेशन, ये इनमें से कोई भी चीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जी उसामा, अब आप क्वेश्चन पूछिएगा। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि ये जो पॉलिसी हम रीड कर रहे हैं इसमें बेसिकली अमेजोन ये इंक्वायरी करना चाहता है कि जो हमने ऑर्डर लिए हैं उनको डिलीवर भी किया है कि नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब रिफंड लेकिन ज्यादा दूसरा आते हैं जो ना तो अमेजोन ट्रीटमेंट की यही मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में डाले और वो चेक करे कि बाकी के ऑर्डर्स में भी ऐसे इशू तो नहीं आ रहे, ठीक है। इसमें जो मैम कबूतर जो ट्रिक है उसका मतलब ये तोड़ निकाला है अमेजोन। जी, ये उसी का तोड़ निकाला है। जब अनयूजुअल एक्टिविटी कभी भी अकाउंट पर होगी ना तो फौरी तौर पे अमेजोन जो है वो आपको मतलब आपके अकाउंट को रिव्यू में डाल देगा, ये तोड़ है दूसरा मैम, अमेजोन का। इसमें हमने अमेजोन को जो ट्रैकिंग आईडीज है उनको मतलब के लिस्ट बना के सबमिट करवानी होगी जी जी कि हमने बिल्कुल, ये वो मैं डिलीवर अभी किया। उसकी तरफ आती हूँ, डोंट वरी, ओके मैम, ठीक है। अच्छा थर्ड चीज, फोर्थ चीज मैंने आपको बता दी कि आपको अपने बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब सपोर्ट या एविडेंस चाहिए, जिसमें कंपनी बैंक इंफॉर्मेशन हो सकती है, ईमेल हो सकती है, वेबसाइट। लेकिन इन तीनों चीजों का जो भी चीज आप प्रोवाइड करते हो ना, ये तीनों में से कोई भी चीज प्रोवाइड करते हो, ये आपके सैलर सेंट्रल अकाउंट में लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ईमेल कोई और है आपकी, आप वो दे दो और बाद में वो सैलर सेंट्रल में आके मौजूद ही ना हो, ठीक है। तो ज्यादा बेस्ट होता है कि या तो बिजनेस वेबसाइट प्रोवाइड करो या फिर कंपनी बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अच्छा उसके बाद इफ यू आर फेसिंग लॉजिस्टिक इशू, अगर आपके लॉजिस्टिक इशूज हैं विच आर कॉजिंग डिलेज टू द फुलफिलमेंट ऑफ योर ऑर्डर्स, जिसकी वजह से आपके ऑर्डर्स फुलफिलमेंट में डिले आ रहा है, तो आपने रीजन प्रोवाइड करनी है और सपोर्टिंग एविडेंस भी प्रोवाइड करना है, ताकि हम आपके रिव्यू करते हुए इन सारी चीजों को जो है वो हम इजीली देख सके, ठीक है। एंड इफ यू आर एन अमेजोन इजी शिप सेलर, यू डू नॉट नीड टू प्रोवाइड अस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रैकिंग एंड लॉजिस्टिक इशू, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन रिकन्फर्म
योर यूज ऑफ एमेजॉन शिप सर्विस फॉर योर सेलर फुलफिल्ड आइटम एज पार्ट ऑफ एन अपील सबमिशन. ये क्योंकि सबमिशन का एक पार्ट है, सो इसलिए आपने इसको केयरफुली देखना है और सोचना है. ठीक है, अब देख लें जी, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ कि जो जी उसामा. मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम अमेज़ॉन को इसमें 100% ट्रैकिंग ही देंगे, तो इसमें ज़्यादातर तो ड्रॉप शिपिंग वॉयलेशन, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और बिजनेस सॉल्यूशन आर्गुमेंट लगने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अमेज़ॉन तो ट्रैकिंग को पकड़ लेगा कि मुख्तलिफ वेयर हाउस से प्रोडक्ट गया ही है, लेकिन तो असल में ये जो मतलब रिव्यू वगैरह में जा रहे हैं ना अकाउंट, ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट तो डायरेक्ट सेक्शन 3 से उड़ जाते हैं. ठीक है, ये बाकी अकाउंट्स के लिए है जिस पर ऑनलाइन आर्बिट्राज अब स्टार्ट हो गया है, उन अकाउंट्स पर ये वाले इशू हैं, या फिर आप समझो कि होलसेल पीएल में भी ये इशू है अगर आप एफबीएम कर रहे हो अपनी आइटम्स को. ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनको तो डायरेक्ट सेक्शन 3 लग के अकाउंट ही बंद हो जाता है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के साथ. ये रिव्यू में वो अकाउंट है जो कि बिल्कुल या तो न्यू होंगे चाहे उन पर ड्रॉप शिपिंग ही क्यों ना हो रही हो. अगर न्यू अकाउंट भी है ना तो उस पर अगर रिफंड ज्यादा आ रहे हैं, ये एकदम से आपने स्पाइक ली है सेल वेलोसिटी की, सेल वॉल्यूम की, तो उस केस में अमेजोन आपके अकाउंट को रिव्यू में भी डाल सकते हैं, और रिव्यू के बाद उसने डीएक्टिवेट ही करना होता है ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट को. लेकिन जो बाकी अकाउंट्स होते हैं जिन पर ड्रॉप शिपिंग नहीं हुई होती, जिन पर ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसमें ये एविडेंसेस जमा कराएंगे तो अकाउंट आपका खुल जाएगा. ठीक है, ओके मैम। और ज्यादातर ये उन अकाउंट्स पर लगता है जो कि अमेजोन से शिपिंग लेबल परचेज करते हैं, उनके अकाउंट डायरेक्ट सेक्शन 3 से सस्पेंड नहीं होते, डीएक्टिवेट नहीं होते, उनके अकाउंट्स रिव्यू में जाते हैं. ठीक है, अच्छा जी, रिकॉल कर लेते हैं कि अकाउंट रिव्यू में क्यों जाता है. जब आपकी सफिशिएंट हिस्ट्री ना हो पास सेल्स की, या फिर मल्टीपल आपके कस्टमर कंप्लेन करें, नेगेटिव फीडबैक या ए टू जी गारंटी क्लेम वगैरह आ रहे हो, या फिर आप ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन वैलिड ना दे रहे हो, या फिर अनयूजुअल चेंज हो आपके सेलिंग पैटर्न्स में, या फिर हाई रिस्क आइटम सेल कर रहे हो, या फिर आपका बिजनेस इस तरह से हो जिससे आप मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो ना कर रहे हो, लाइक एड्रेस या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह. अब उसके लिए जो चीज़ें हमें सबमिट करवानी पड़ती हैं अपील में, वो सबसे पहले ट्रैकिंग्स ऑर्डर्स की, फिर प्रूफ ऑफ डिलीवरी के हमने वाकई ही आइटम्स को शिप किया है, उसके बाद एड्रेस का यूआरएल, अदर स्टोर्स का जिसमें अमेजोन का स्टोर लिंक भी हो सकता है जहां पर आप सिमिलर आइटम्स सेल आउट कर रहे हो, और वहां से आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. और इसके अलावा आपने बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए वेबसाइट, ईमेल या कंपनी बैंक इंफॉर्मेशन देनी है. उसके अलावा अगर आप लॉजिस्टिक इशू फेस कर रहे हो, आपके ऑर्डर उसकी वजह से डिले हो रहे हैं, तो आपने सपोर्टिंग एविडेंस और रीजन भी साथ में अटैच करनी है, और फिर आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू में से जो है वो निकल आएगा. ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको सारी मतलब एक्सप्लेन कर दी है कि आजकल जो अकाउंट्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं. ठीक है, अब आपने मुझे बस 1 मिनट देना है ताकि मैं अकाउंट लॉगिन करूं और वो अकाउंट भी आपको दिखाऊं कि उस अकाउंट की सस्पेंशन किस तरह की होती है, रिव्यू में जो जाता है उसकी ईमेल किस तरह की आती है, फिर हम इसकी सबमिशन अपील की तरफ मूव करेंगे और इसके अपील के पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी. सो जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स तो ताकि मैं अकाउंट लॉगिन करूं. जी, कंटिन्यू करते हैं. अच्छा जी, ये एक अकाउंट है. ठीक है, इसके बारे में अब मैं आपको गाइड करती हूँ कि सबसे पहले तो इस अकाउंट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दिखाती हूँ कि मतलब यहाँ से जाकर ए टू जी गारंटी क्लेम इस प्रोडक्ट इसमें आया हुआ है. यहाँ पर देखिए, ऑल पर क्लिक किया और ये ए टू जी गारंटी क्लेम आ गया. ठीक है, ये मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सेम ऑर्डर प्रोडक्ट कर ऑर्डर कर लिए किसी और डीलर से, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ज्यादा है और मुझे किसी और डीलर से सस्ती मिल गई है ये प्रोडक्ट. ठीक है, अब देखो अकाउंट हेल्थ आपको दिखाती हूँ. इसी एक ए टू जी गारंटी क्लेम की वजह से जो अकाउंट की हेल्थ है वो भी रिस्क पर है, तो अकाउंट जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर है. ठीक है, ये देखो 3.23% यहाँ पर आ रहा है. ठीक
ठीक है, क्योंकि अकाउंट जो है वो रिव्यू में जा चुका है और सेलर फुलफिल्ड इसकी डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब हालांकि ये अकाउंट ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट नहीं है, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज का अकाउंट है। अच्छा, अब परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपको मैं इसकी दिखाती हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर, ये तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर 6 अगस्त को ये वाला आया है, योर सेलर अकाउंट हैज बीन प्लेस्ड अंडर टेम्परेरी रिव्यू। ये रिव्यू पीरियड जो है वो कंफर्म करना चाहता है कि डिलीवरी ऑफ योर रीसेंट सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स। रिव्यू पीरियड शुड नॉट एक्सीड 30 डेज। जब आपका अकाउंट रिव्यू में होगा, आपकी सेलर फुलफिल्ड डीएक्टिवेट रहेगी विद सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 की टाइप है ये, लेटेस्ट टाइप है। फंड्स जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे और ना आपको डिसबर्समेंट होगी इसकी। ठीक है, जब हम आपकी डिलीवरी ऑफ रिसेंट फुलफिल्ड ऑर्डर्स को कंफर्म कर लेंगे, आपकी ऑफर रीएक्टिवेट हो जाएगी एंड यू मे प्रोसीड विद फंड डिसबर्समेंट अकॉर्डिंग टू योर नॉर्मल डिसबर्समेंट स्केड्यूल। और अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अनशिप ऑर्डर्स ड्यूरिंग दिस टाइम होंगे, तो प्लीज कंटिन्यू फुलफिलिंग दीज। ठीक है, उनको फुलफिल करते जाएं। एविडेंस ऑफ डिलीवरी विल हेल्प एक्सपेडिट द रिव्यू ऑफ योर अकाउंट। ये तेजी के साथ मतलब आपके अकाउंट को जो है वो रीएक्टिवेट करवाने में हमें हेल्प करेगा। Amazon consider multiple factors, वही फैक्टर्स जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं वही फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर Amazon जो है आपके अकाउंट को टेम्परेरीली रिव्यू में लेकर जाता है। इस अकाउंट पर किसी भी तरह की कोई वॉयलेशन नहीं है, सिर्फ रिफंड है। ठीक है, उसकी रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। एक हेल्दी अकाउंट, वही सारे पॉइंट ये देखें यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि ये आपका एरर है, तो फिर आप इसको यहाँ से सबमिट करवाओगे। अब वो कह रहे हैं कि आपकी आपने जो अपील सबमिट करवानी है, उसमें एक तो अपडेट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोवाइडेड इन मैनेज ऑर्डर सेक्शन इफ यू आर एन अमेजोन शिप सेलर। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको एविडेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ रीसेंट शिप सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स चाहिए, जिसमें बायर कंफर्मेशन चाहिए प्रूफ ऑफ डिलीवरी की। अगर आपके पास नहीं है, यू मे रिक्वेस्ट फीडबैक फ्रॉम द बायर। क्योंकि आपको पता है ना कि डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो, प्रूफ ऑफ डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो, तकरीबन आप समझ लो कि 2 दिन के बाद उसकी ट्रैकिंग वगैरह वो उस साइट से खत्म हो जाती है। इस वजह से वो कह रहा है कि आप बायर को कहें कि मतलब फीडबैक दे दे, लेकिन प्रेशराइज नहीं करना उसको। वही सारे जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको वहां पर दिखाए हैं अमेजोन ने, वही यहाँ पर भी मांगे हैं आपसे। अब वो कहते हैं कि अगर आप सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो हम आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू में रखेंगे ओवर द नेक्स्ट 30 फॉर एविडेंस दैट सपोर्ट डिलीवरी ऑफ रिसेंट। वंस वी आइडेंटिफाई प्रूफ ऑफ डिलीवरी, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको फंड्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ना मिली, तो परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, यू विल रिसीव एन ईमेल कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। वो ईमेल भी सेम यही जो है वो आई हुई है। ठीक है, तो ये मतलब नोटिफिकेशन है जो कि ये 6 अगस्त, ये तकरीबन अगस्त में ही ये वाला सीन मैम, स्टार्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज सबको नहीं आ रही? नो मैम, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल सही आपकी आवाज आ रही है। सबको इश्यू है? काइंडली कंफर्म करें। अच्छा, जिसको ए टू जी गारंटी क्लेम का नहीं पता, उसको भी मैं बता देती हूँ। ए टू जी गारंटी क्लेम का मतलब ये होता है कि अमेजोन लाइक मतलब अमेजोन के पास एक अथॉरिटी होती है कि पहले कस्टमर जो है वो हमसे राबता करता है, और अगर हम उस कस्टमर का इशू 24 आवर्स के विद इन जो है अगर रिजॉल्व नहीं करते, तो अमेजोन से वो एक केस जो है वो फाइल करता है, और उसके बिहाफ पर अमेजोन हमारे अकाउंट से पैसे कट करके और उस कस्टमर तक पहुंचा देता है। यहाँ पर देखो ए टू जी गारंटी क्लेम लिखा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये देखें। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट भी यहाँ से देखी जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में हम इसका फीडबैक ही रीड कर लेते हैं। जो पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से फीडबैक तो नहीं दिया इसने, खैर वो ए टू जी गारंटी क्लेम को हम जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ए टू जी गारंटी क्लेम में जाकर उसके मैसेज को भी रीड कर सकते हैं, उसके फीडबैक को। यहाँ ऑल पे क्लिक करें और ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि
ये चीजें अब हमने देख ली और हमें पता चल गया कि ये आइटम्स हैं और ये प्रॉब्लम है और इस तरह से हमें एविडेंस इकट्ठे करने हैं। अब देखिए एविडेंस इकट्ठे करने बताती हूँ। मैनेज ऑर्डर्स में जाएं, शिप्ड ऑर्डर्स पे आ जाएं। अब फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर एक्चुअल में शिप हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब इसका एविडेंस आपने इकट्ठे करने हैं, ठीक है? तो कैसे पता चल रहा है? ये यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल है और फ्लैट रेट इनवेलप है इसका, ये इसकी ट्रैकिंग है, ठीक है? ये इसकी ट्रैकिंग डिटेल है सारी। और ये देखें यहाँ पर लोकेशन और इसकी वो मतलब पैकेज अराइव्ड एट कैरियर फैसिलिटी, पैकेज लेफ्ट द कैरियर फैसिलिटी, पैकेज अराइव्ड एट द कैरियर फैसिलिटी, कैरियर पिक द पैकेज, ये मतलब उसकी डिलीवरी की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हमने क्या करना है कि ये जो ट्रैकिंग है, इस ट्रैकिंग आईडी को हमने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये यूएसपीएस की है। अब मैंने यहाँ पर जाकर यूएसपीएस को ओपन करना है और इसको ओपन करूंगी, ये ट्रैकिंग पर क्लिक कर देती हूँ ताकि हम डायरेक्टली ट्रैकिंग नंबर एंटर करें और हम इस पैकेज को देख सकेंगे क्या ये वाकई ही डिलीवर हुआ है या नहीं, ठीक है? यहाँ पर अब हम ट्रैकिंग नंबर इसका डालेंगे, ये एक्स्ट्रा है इसको मैं खत्म कर देती हूँ, ठीक है? और इसको ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप देखो तो वो बता रहे कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी इसकी 13 अगस्त को हो जाएगी, ठीक है, 9 PM तक। और ये इसकी ट्रैकिंग सारी, हर चीज इसकी अवेलेबल है, ठीक है? और यहाँ पर वो देखें, ये इन ट्रांजिट फ्रॉम ओरिजिन प्रोसेसिंग, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखो, आइटम ने कब तक शिप होना था, 12th of August, आज तक शिप होना था, लेकिन यहाँ पर आपका ऑर्डर लेट, एक्सपेक्टेड डेट उसकी 13 आ रही है, ठीक है? और ऑब्वियसली अब ये जो है वो ट्रैकिंग हिस्ट्री अगर इसकी देखें तो ये सारी इसकी हिस्ट्री शो हो रही है कि प्री शिपमेंट यूपीएस अवेटिंग आइटम, यहाँ पर उसने यूपीएस ने पिक कर ली है, ये डिपार्ट हो गई हैं और ये रीजनल ऑफिस में पहुंच गई हैं। योर आइटम अराइव्ड एट आवर मेट्रो NY डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑन 11th एंड द आइटम इज करंटली इन ट्रांजिट टू द डेस्टिनेशन, अभी डेस्टिनेशन की तरफ ये रवाना दवा है, ठीक है? अब ये आपके पास एक एविडेंस आ गया, ये इसका स्क्रीनशॉट आपको रिक्वायर्ड होगा, बल्कि इनफैक्ट ये जो साइट इस वक्त ओपन है, इस पूरे का यूआरएल भी आपको रिक्वायर्ड होगा। देखो तीन चीजें आपके पास आ गई, इस तरह से आपने हर ऑर्डर की फाइंड आउट कर लेनी है। एक आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ गई, ठीक है, और ये जो कैरियर सर्विस वगैरह इस्तेमाल हुई है, ये चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये पैकेज की सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो कि आपने शिप किया है, और उसके बाद यूआरएल भी आ गया। फोर्थ चीज थी कि आपने अपनी बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई वेबसाइट का लिंक या कुछ इस तरह से चीजें भेजनी है। अब ऑब्वियसली वेबसाइट का लिंक तो नहीं होगा, लेकिन जो बिजनेस है उसका बैंक अकाउंट आपके पास होगा, ठीक है? उस बैंक अकाउंट की डिटेल आपके अकाउंट में अगर है, सेलर अकाउंट में, तो आप वही अटैच करके भेज सकते हैं। और लास्टली क्या रीजन है जिसकी बुनियाद पर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेट शिप हो रही है, लॉजिस्टिक के इश्यूज, वो फिर आपने अपने अपनी अपील में जो है वो लिखनी है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी अपील कैसे सबमिट होगी। अकाउंट हेल्प पर जाएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब हमने सबमिट करवाने हैं। अब यहाँ पर देखें, सबमिशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? अब हमने यहाँ पर क्लिक करना है सबमिशन रिक्वायर्ड पर, और फिर हमने देखना है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवाने के लिए कह रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप इजी शिप सेलर हैं, तो हम नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम सिर्फ लेबल परचेज कर रहे हैं अमेजोन से। उसके बाद एविडेंस ऑफ आइदर फुलफिलमेंट और डिलीवरी और बोथ ऑफ रिसेंट शिप्ड सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स, ठीक है? हमें अमेजोन को जो है वो फुलफिलमेंट या फिर डिलीवरी या फिर दोनों चीजों के बारे में अमेज़ॉन को बताना है। वो फाइल आपने यहाँ पर अटैच करनी है जो मैंने आपको बताई है ना, कि आपने फाइल बनानी है जिसमें आपने मतलब वो उस शीट के अंदर ट्रैकिंग नंबर, यूआरएल और बाकी सारी चीजें आप डालोगे। अब जो यूआरएल है स्टोर का, अमेज़ॉन के स्टोर का, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है? उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट या बैंक इंफॉर्मेशन की जो फाइल है वो यहाँ पर अटैच करनी है।
उसके अलावा जो लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं वो आपने यहाँ पर करने हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके बस सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बाकी इसमें ये है कि अभी फिलहाल Amazon ने यहाँ पर अपील का ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि आपने अपील भी करनी है, सिर्फ ये सबमिशन है जो Amazon ने मांगी है, जो कि हमें यहाँ पर सबमिट करवाने की जरूरत है, ठीक है। मैम मैम आप इन पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना ताकि हम क्लियरली स्टडी कर सकें, जी मतलब कि जी जो मैं आपको सारा रिक्वायरमेंट डिटेल्ड ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है, कि है। रीजंस शुक्रिया। क्या हैं और Amazon रिक्वायर क्या करते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था मैम, जैसे कि हम FBA कर रहे हो उसमें तो अमेजोन ने फुलफिल करने हैं ऑर्डर। उसमें रिव्यू में जाता ही नहीं है, आपने देखा नहीं है ये लिखा हुआ है सेलिंग अकाउंट रिव्यू फॉर सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स, ये है ही एफबीए में, ओके, बस ये क्लियर करना था पॉइंट, बाकी तो क्लियर हो गया मैम सारा कुछ। ठीक है। अरीबा आप क्वेश्चन पूछ लें। मैम आई थिंक मेरे क्वेश्चन का भी यही आंसर है। मैंने ये पूछना था कि आपको कैसे पता चलता है कि ये इस अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग हो रही है और इस दूसरे अकाउंट पे ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा है। क्लाइंट से पूछना है आपने, ओके ओके। ठीक है जी, और ऑनलाइन आर्बिट्राज 100% FBM ही होता है। FBM होता है, ठीक ओके है। एसन आप पूछ लें। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बताया था कि जो इसने A to Z गारंटी क्लेम आया था, तो ये किस वजह से आया था बेसिकली, क्यों उसने, यानी अच्छा वो रीजन कि मैं आपको बताना शायद भूल गई हूँ। देखें मैं ना मैसेजेस का पोर्शन खोलती हूँ, और जो कस्टमर के मैसेजेस है ना उसमें जाकर आप देख लें। एक कस्टमर है और उसने मतलब मैसेज किया हुआ था, मैं उस मैसेज को 1 मिनट खोलने की कोशिश करती हूँ, कि उसने मैसेज किया था कि मुझे ना ये कहीं और से प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है तो आप लोग इतनी महंगी बेच रहे हो तो मुझे रिफंड दें, ठीक है। तो उसको ना मतलब क्लाइंट की एक माइनर मिस्टेक थी, वो ये थी कि उसने मतलब उसको डायरेक्टली रिफंड करने की बजाय ना उसको ये कह दिया कि तुम मुझे ना रिफंड की रिक्वेस्ट भेजो, हालांकि रिफंड की रिक्वेस्ट नहीं होती, उसकी होती है क्या उसको कहते हैं ऑर्डर कैंसिल कैंसलेशन की होती है, ठीक है, वो मतलब होती है सिर्फ। तो ये मिस्टेक थी, फिर उसने जो है वो अमेजोन को कह दिया कि मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो उसमें फिर जो है वो अमेजोन ने मतलब ऑब्वियसली एक्शन लिया, ठीक है। मैं 1 मिनट उस मैसेज को सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, वरना फिर हम उसका ऑर्डर आईडी खोल देते हैं। ठहरे, A to Z गारंटी क्लेम में जाएंगे। ऑल पर क्लिक करेंगे, इस ऑर्डर आईडी को खोल लेंगे। अच्छा ठहरे, ऑर्डर आईडी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं मैसेजेस में जाऊंगी और इस ऑर्डर आईडी को पेस्ट करके उसको मैसेज में फाइंड आउट कर लेती हूँ। ये आ गया, आई ऑर्डर्ड द रॉयल कैनिन डॉग फूड, ऑर्डर नंबर, योर चार्ज, लेकिन एडवर्टाइज ये किया ये किया, मैंने किसी और लिंक से परचेज कर लिया, उस लिंक अमेजोन ने डिलीट कर दिया है, 56.99 में मैंने इसको परचेज कर लिया, आई वॉन्ट रिफंड और कैंसिल माई ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर गलती ये हुई कि उन्हें चाहिए था कि प्रॉपर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजे, इन्होंने कहा कि प्लीज सेंड अस अ रिफंड रिक्वेस्ट। अब रिफंड की रिक्वेस्ट उसे कहीं नजर नहीं आई, उसने A to Z गारंटी क्लेम डाल दी। अब आप देखो ये 31 जुलाई को डाला हुआ है, मतलब इसकी कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है। अब हम A to Z गारंटी क्लेम्स में जाकर दोबारा से देख लेते हैं कि क्लेम किस दिन डला था। क्लेम उसने 2 अगस्त को डाला है, ठीक है, 2 अगस्त को उसने एंटर किया है। अब उसने लिख दिया आई हैड टू गेट इट फ्रॉम च्यूई, कि मैंने उसे च्यूई वेबसाइट से परचेज कर लिया। यानी मैम ये इसने आउटसाइड अमेजोन परचेजिंग की, अमेजोन से आउटसाइड परचेजिंग की, यानी अमेजोन से तो नहीं परचेज की, किसी और वेबसाइट से परचेज की है। ओके
ठीक है, तो उसने कहा कि भाई मुझे रिफंड नहीं मिला, मुझे रिफंड चाहिए। उसने रीजन ये बता दी कि मैंने किसी और डीलर से ले ली है प्रोडक्ट, मुझे नहीं चाहिए और मुझे कस्टमर नहीं दे रहा। ठीक है, तो अमेजोन ने यहाँ से काटी, और ये देखें क्लेम डिटेल्स आप यहाँ से देख लें कि अमेजोन ने उसके पैसे काटे और वापस दे दिए उसको। ठीक है, ये रीजन थी। कोई और क्वेश्चन आपका यहाँ तक? मैम आपसे ये पूछना था कि जैसे कि ए टू जी गारंटी क्लेम को रिमूव करने का बेस्ट मेथड क्या है? देखिए, ए टू जी गारंटी क्लेम तो रिमूव नहीं हो सकता, बस आपको ओडीआर इम्प्रूव करने के लिए ऑर्डर ज्यादा लेने पड़ते हैं। क्या आप ऑर्डर ज्यादा ले लो, ओडीआर इम्प्रूव हो जाता है आपका। अब जैसे मैम इस केस में कस्टमर रिफंड की डिमांड कर रहा था, अगर ये रिफंड कर देता तो देन मतलब कि वो ए टू जी तो नहीं कर सकता था ना, बिल्कुल नहीं कर सकता था, फिर नहीं कर सकता था। तो बाज मतलब ऐसा होता है कि डबल डबल रिफंड भी ले लेता है कस्टमर ऐसे भी हो तो। जाता है, हाँ यहाँ से भी ले लेते हैं वहां से भी। उसके लिए तो फिर आप अपील कर सकते हो ना, देखो अपील डिसीजन पे क्लिक करके। ठीक ओके मैम, है, और कोई क्वेश्चन? चलें जी, आज मैंने आपको एक काफी इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट जो है वो मतलब टॉपिक आपको बता दिया। तो होपफुली आपको इस तरह की केसेस अगर मिलते हैं तो पकड़ लें। अगर तो उनके पास ट्रैकिंग और सारी चीजें हैं और उन्होंने सच में ऑर्डर डिलीवर किए हुए हैं, तो मतलब इसको हम निकलवा सकते हैं, इस पूरे मतलब सिनेरियो से इस अकाउंट को ओपन करवाया जा सकता है। इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो बाकी ये कि कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगी, आई विल बी देयर। आप पूछ ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। दूसरा, ये जो कंसर्निंग मटेरियल है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, चलें जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।